सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। और भाई तुम लोग बोल रहे हो कि ध्रुव भाई ये दो बंदे कौन है? तो भाई सबसे पहले बता दो, ये मेरा सब्सक्राइबर है भाई, और आज लगने वाला है सब्सक्राइबर वर्सेस सब्सक्राइबर मेरे भाइयों, समझ रहे हो। और एक बाजू है अखंड प्लेयर जिसका नाम है भाई दीपक, और एक बाजू है फिशेन भाई जिसका नाम है अधर। इसी के साथ भाई दीपक भाई बढ़िया से मजाक से हटके ग्लूअल एकदम मूवमेंट दिखा के आगे बढ़ते हुए M10 लेवल 3 की डेजर्ट और MP40, और सामने अधर भाई के साथ है SKS M10 और डेजर्ट ईगल। मेरे को लग रहा है SKS लेने की जरूरत नहीं थी ये वाले राउंड में, बट इट इज़ ओके। चलो गाइस, पहला राउंड कौन जीता है मजाक से हट के देखते हैं। और दोनों बंदे M10 से प्रहार करने वाले, एक 10 रुपये शॉर्ट रेंज में आते हुए डेजर्ट का एक झटका, इसी के साथ में क्या दिख रहा हूँ अधर भाई नीचे कूद गए। ओ भाई भाई खत्म है। अखंड प्लेयर जीत गया। दीपक भाई फेल देंगे, इसी के साथ गाइस फर्स्ट राउंड गोज टू दीपक विच इज कॉल्ड एज अखंड प्लेयर। क्या बात है, गलती कहाँ हो गई ना भाई। अधर भाई गिर गए नीचे, ठीक है, पीछे पीछे दीपक भाई भी नीचे गिर गए थे, बट गाइस दीपक भाई पहले ऊपर चढ़ गए, इसकी वजह से अधर भाई रह गए और पहला राउंड अधर भाई नहीं जीत पाए। और इसके साथ फर्स्ट राउंड के विनर है हमारे दीपक भाई। लेट्स गो गाइस, 7 राउंड जो भी जीतेगा पहले वो भाई ये मैच जीत जाएगा। फिर से SKS ले लिए, क्या वन टे मारने का ट्राई करेंगे फिशियन भाई, लेट्स सी। और इसी के साथ डैमेज पड़ता हुआ जो कि दीपक भाई फुल रश के मूड में, भाई साहब मजाक से हटके फुल रश मारने के मूड में ही है। और इसके साथ उनको थोड़ा सा डैमेज पड़ता हुआ रिपेयर किट मार के फिर से ऑन द स्पॉट चले गए। क्या लग रहा है ये वाला राउंड कौन जीतेगा? अधर भाई पीछे से आए, इसके साथ दीपक भाई का ग्लूअल बढ़िया, दीपक भाई ओपन में जाते हुए वन टैप मारने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, बट वन टैप लगा नहीं है अभी एक भी, क्योंकि एक ही राउंड अभी तक हुआ है। फिशेन भाई बाहर आते हुए, और अभी दीपक भाई जो है वन टैप मारने के लिए बाहर आते हैं, SKS से मार सकते हैं बट नहीं मार पाए। दोनों बंदे एक दूसरे को वन टैप के ट्राई नहीं कर रहे अभी, क्योंकि अभी मैच जितना इम्पोर्टेंट है। इसके साथ SKS का एक नहीं SKS शायद से कट्टा वो चलाया था M10। चलो M10 का डैमेज है भाई, M10 का डैमेज है अखंड प्लेयर को। चलो भाई दीपक भाई बढ़िया मूवमेंट दिखाते हुए बहुत ही बढ़िया हीलिंग कर रहे हैं। इसी के साथ अधर भाई शायद से रश मार देंगे, और इसके साथ भाई दीपक भाई को अभी हीलिंग करने का मौका नहीं मिला, डैमेज पड़ा है और भी थोड़ा डैमेज पड़ा है। मेरे को लग रहा है इस बाबत पे अधर भाई को रश मार देना चाहिए। और चलो भाई चलो भाई साहब, भाई क्या ही बोले गाइस, ये राउंड जाता था अधर भाई को, बट खींच लिया है भाई दीपक भाई विच इज इन फैंटेस्टिक फॉर्म गाइस। मेरे को लग रहा है ये वन साइड मैच ना हो जाए गाइस, बट चलो क्या पता आगे जाके अधर भाई जो है वो कमबैक कर सकते हैं। देखो ये फ्री फायर में कुछ भी कह नहीं सकते, ठीक है। चलो ये राउंड कौन जीतेगा, लेट्स सी गाइस। चलो वन टैप मारने का ट्राई, बट इधर जो मैं देख पा रहा हूँ ना, अधर भाई फूल है ना, रश मार के खेलते हैं और इसी के साथ डैमेज पड़ रहा है। क्या ये अधर भाई के हाथ में राउंड जाएगा? नहीं भाई साहब, व्हाट इज इट भाई, क्या ही प्लेयर है दीपक भाई। दिक्कत कहाँ हो रही ना भाई, जो कि अधर भाई है वो डिफेंड करके खेल रहे हैं, और सामने जो दीपक भाई फुल ऑन रश मार के खेल रहे हैं भाई, उनको जरा सा भी डैमेज पड़ रहा है तब भी रश मार रहे हैं, विच आई लाइक इट, क्योंकि ये मेरे जैसा बंदा है कि भाई मैं भी रश मार देता हूँ, मेरे पे यकीन रहता है कि भाई मैं फेल दूंगा तो फिर मैं रश मार ही देता हूँ। तो लेट्स गो गाइस, 3-0, क्या वाइट वॉश होगा गाइस, 3-0 का स्कोर हो चुका है। लेट्स सी गाइस, फिर से डैमेज है दीपक भाई के द्वारा फिर से रश, अधर भाई को डैमेज पड़ता हुआ पीछे से आ सकते हैं दीपक भाई जी आज के। और इसी के साथ दीपक भाई ने क्लॉक टावर वाला राउंड जीत लिया है। माय गुडनेस क्या है भाई, 4-0, व्हाट इज दिस, 7-0 ना हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरा दोनों सब्सक्राइबर्स में से एक सब्सक्राइबर ऐसे 7-0 से हारे। क्या अधर भाई जीत पाएंगे?
क्या अदर भाई कमबैक कर पाएंगे वो आपको आके देखने को मिल जाएगा गाइस। बने रहिए ठीक है, और चैनल पे जो भी नया प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे ठीक है। देख सकते हो भाई जो कि दीपक भाई फुल ऑन रश मार रहे हैं भाई, सामने वाले की ऐसी कितने ऐसी के फुल ऑन रश मार रहे हैं ठीक है, और फिर से डैमेज दे रहे हैं, फिर से डैमेज है अदर भाई को, फिर से डैमेज है। क्या इसी के साथ 5-0 हो सकता है, क्या इसी के साथ 5-0 हो सकता है। ओ M10 का प्रहार भाई, अदर भाई का भी M10 का प्रहार, दोनों बंदे ऑलमोस्ट इक्वल एचपी पे इसी के साथ। ओ भाई साहब एचपी देखो भाई, 6-7 की एचपी में दीपक भाई को गिरा दिया मजाक सेट के। फाइनली अदर भाई का खाता खुला है, बट इधर से अभी गेम अदर भाई के साइड नहीं आई है, जो कि मैं फिर से बता दूं अदर भाई जो कि इन गेम नाम है फिशन भाई और अखंड प्लेयर का नाम है दीपक, अभी भी अदर भाई की जर्नी बहुत ही दूर है, उनको इधर से और 2-3 राउंड खींचने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा क्योंकि सामने दीपक भाई को सिर्फ चाहिए 7 राउंड जीतने के लिए और उन्होंने 4 राउंड तो कर ही दिए, 3 राउंड बाकी है। फिर से फिशन भाई जो कि है अदर भाई दीपक भाई को डैमेज पड़ चुका है, अदर भाई बाहर वेट कर रहे हैं। क्या लग रहा है अभी ग्लूअल खोलेंगे, मेरे को लग रहा है अभी ग्लूअल खोलने जैसा है। बढ़िया चलिए गाइस, अदर भाई दीपक भाई थोड़ा सा दूर जाते हुए मजाक सेट के, चलो बढ़िया है। दोनों बंदे सामने आते हैं इसी के साथ भाई, दूसरा राउंड विन कर दिया है भाई अदर भाई ने। ये क्या हो रहा है, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये मैच गवा ना दे दीपक भाई। फिशन भाई जो कि अदर भाई, भाई साहब 2 राउंड लगातार जीत चुके हैं मजाक सेट के, इसी के साथ स्कोर हो चुका है 2-4 भाई साहब। What is this? एक टाइम पे लग रहा था कि भाई 7-0 हो जाएगा, बट अभी हो चुका है 2-4 भाई। अदर भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़ा ठीक है, और सामने दीपक भाई बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, बस दीपक भाई को थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं जैसा ठीक है, थोड़ा सा अगर वो होल्ड कर रही है, बट नहीं वो मारने वाले पुश इसके साथ उनको डैमेज पड़ता हुआ भाई। चलेगा इस क्या हो रहा है लेट सी भाई सब, दोनों के दोनों बंदे बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं, इधर दीपक भाई को डैमेज पड़ता है और अदर भाई वो ही मौका देख के नजदीक आकर रश मारे, MP40 से प्रहार, थोड़ा सा डैमेज, सामने दीपक भाई को भी डैमेज पड़ा है अदर भाई का रश। चले दीपक भाई तो अंदर सेफ है, अदर भाई को अभी मैं बताना चाहूँगा इनको हील करना चाहिए। हाँ ओके बढ़िया है, हील कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ बाहर आते हो भाई, मारने का मौका था गवा दिया, और इसके साथ ये राउंड जीत चुका है दीपक भाई ने। वेल डन दीपक भाई, स्कोर हो चुका है 5-2। क्या लग रहा है गाइस, इधर से कौन कितने राउंड जीतेगा, क्या लग रहा है गाइस, कोई भी जीत सकता है मेरे भाइयों, कोई भी जीत सकता है, डोंट नो। 5-2 स्कोर हो चुका है, और इसी के साथ दीपक भाई को अभी भी 3 पॉइंट की लीड है। मेरे को लग रहा है ऐसे थोड़ा सा दीपक भाई अगर होल्ड नहीं करेंगे तो फिर अदर भाई जो कि जीत सकते हैं, ये ऐसा भी नहीं है कि अभी पूरा हार मान चुके, वो भी बढ़िया तरीके से खेल रहे, दोनों बंदे अच्छा खेल रहे, अपन किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकते वो भी के मैं भी वो। इसी के साथ भाई दीपक भाई को डैमेज है अदर भाई, दीपक भाई क्या लग रहा है सी वाला मिल वाला राउंड कौन जीतेगा। इसी के साथ डैमेज है, अदर भाई को भी डैमेज, ऑलमोस्ट सेम डैमेज है दोनों बंदों को। लेट्स सी गाइस क्या होता है, अदर भाई इधर वेट करते हो, दोनों अपना हीलिंग खत्म कर देते, और इसी के साथ दीपक भाई आ गए, दीपक भाई ने डैमेज दिया है, दीपक भाई क्या ये राउंड निकल पाएंगे अदर भाई दीपक भाई। ओ भाई हैर दे दिया है इधर अदर भाई ने दीपक भाई को, इसी के साथ भाई 3-5 का स्कोर हो चुका है भाई साहब। व्हाट ए कमबैक, व्हाट ए कमबैक, देखना पड़ेगा कौन जीतेगा आखिरी में। मैं तो सोच रहा था कि भाई शायद से 7-3 से ये मैच दीपक भाई जीत जाएंगे, बट नहीं जी नहीं दोस्तों, इधर सामने अदर भाई ने अच्छी तरीके से देखो कमबैक किया है, और वेल डन अदर भाई। लेट्स सी यार, ऐसे अगर दीपक भाई खेलते रहे तो क्या पता लीड दीपक भाई से डायरेक्ट जाके अदर भाई को मिल जा सकती है गाइस। लेट्स सी इधर डेजर्ट का डैमेज भाई, क्या कर रहे दीपक भाई, क्या उनका फॉर्म भाई चालू गेम में चला गया, क्या मजाक सेट के। तो वन टैप मारने का ट्राई मत करो भाई,
क्या लग रहा है गाइस, ये वाला अगर राउंड जीत दिया, अगर ये वाला राउंड अदर भाई के हाथ में आ गया तो प्रेशर आ जाएगा दीपक भाई के, दीपक भाई पे प्रेशर आ जाएगा। लेट्स सी गाइस कौन जीतता है। MP40 हेड नहीं छुआ है, बॉडी बॉडी मार रहे, कोई दिक्कत नहीं। M10 अरे पीछे है, बच गए। कम ऑन दीपक भाई, अदर भाई बच गए खत्म भाई साहब को कम बैक। इसके साथ भाई जहां दीपक भाई को 3 की लीड थी, वहां अभी सिर्फ 1 की लीड बच गई है। व्हाट ए मैच गाइस भाई साहब, 4-5 का स्कोर लाइन हो चुका है। क्या मतलब भाई, दीपक भाई अपनी लीड गवा चुके भाई। मेरे को लग रहा है गाइस ये मैच इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा भाई, ये मैच मेरे को लग रहा है 6-6 तक जाएगा। ऐसा क्यों मेरे को लग रहा है गाइस, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में अपने को लगा था कि भाई वन साइड है, दीपक भाई की मूवमेंट देख सकते हो तुम लोग थोड़ी सी बेहतर है अदर भाई से, बट अदर भाई क्या कर रहा है कि भाई वो फायर करते ही जा रहे। दीपक भाई थोड़ी सी मूवमेंट के चक्कर में ऐसे ही HPU की गवा के खत्म भाई। व्हाट ए यार भाई साहब, क्या ही बोल सकते हैं भाई, व्हाट ए लेजेंडरी फाइट भाई। अपने को क्या देखने को मिल रहा है भाई, 5 ऑल स्कोर भाई साहब, 5 ऑल स्कोर भाई। कहां पर 3-0, 4-0, बाद में 5-2, 5-3 और इधर 5-5 का स्कोर हो चुका है गाइस। मेरे को लग रहा है गाइस कि ये मैच है ना 6-6 तक जाएगा। अगर जो भी बंदा ये वाला राउंड जीत गया ना, उसके ऊपर बड़ा सा एडवांटेज रहेगा, और जो बंदा ये राउंड हारा है ना भाई, वो हारेगा तो उस पर बहुत ही प्रेशर होगा। तो इसी के साथ एक्सेमेट ले लिया है दीपक भाई ने, और MP40 और सामने SKS और M10 चला रहे हमारे अदर भाई। क्या अखंड प्लेयर जीतेंगे, क्या फिशेन भाई जीतेंगे। चलो सामने एक दूसरे पे प्रहार अभी डायरेक्ट नहीं कर रहे, एक्सेमेट से मेरे को लग रहा है हेड मारने का ट्राई कर रहे, बट अदर भाई जैसे ही बाहर आ गए, शायद से अगर हेड नहीं छुआ तो फिर खत्म है मामला। जी हाँ दोस्तों भाई, एक्सेमेट का नहीं छू रहा है अभी हेड, डेजर्ट से ट्राई करेंगे। चलिए शॉर्ट रेंज में फाइट लेंगे। क्या लग रहा है गाइस, कौन जीतेगा ये राउंड। जो भी जीतेगा उसको बड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा भाई, प्रेशर उस पर नहीं रहेगा। चलेगा इसी के साथ अखंड प्लेयर को डैमेज है। ये वाला राउंड अखंड प्लेयर को जीतना पड़ेगा। दीपक भाई कम ऑन दीपक भाई पैक हो गए वापिस से, हील करेंगे अंदर। बाहर अदर भाई वेट करेंगे दीपक भाई का। अरे भाई अदर भाई कम ऑन, इतना अच्छा तुमने राउंड निकाला है, कम ऑन अदर भाई। दीपक भाई तुमको भी ये वाला राउंड जीतना है। डैमेज पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जोन छोटा होता हुआ और डैमेज है, एक्सेमेट से छू नहीं रही है भाई। दीपक भाई का रिकॉल मार रहा है। क्या लग रहा है गाइस, बहुत ही इंटेंस मैच है। ग्लूअल धड़ाधड़ लगाते हुए। अदर भाई इधर मत पॉज करो, इनको आगे जाना पड़ेगा। जोन आ रहा है क्या, दीपक भाई उन पे प्रेशर डालेंगे। जी हाँ डैमेज दिया है अदर भाई को डैमेज है। एक्सेमेट से आने नहीं दे रहा दीपक भाई। इसी के साथ भाई साहब दीपक भाई ने कर लिया है एलिमिनेटेड सामने वाले बंदों को, और इसी के साथ अदर भाई अभी प्रेशर में आ चुके हैं, क्योंकि गाइस अभी एक राउंड भी अदर भाई ने हारा, फुल ऑन जीत जाएंगे दीपक भाई। बट लेट्स सी गाइस क्या होता है। ठीक है, ये राउंड अदर भाई को जीतना ही पड़ेगा, हमारी नजर अदर भाई पे। क्या वो ये राउंड जीत पाएंगे, लेट्स सी गाइस। अगर ये राउंड अदर भाई जीत गए तो फिर अखंड प्लेयर और अदर भाई मतलब फिशन भाई दोनों का 6-6 स्कोर हो जाएगा। क्या लग रहा है गाइस, बहुत ही क्लोज मैच जाने वाला है मेरे को लग रहा है। अगर 6-6 चला गया इसी के साथ गाइस अदर भाई वॉन दिस राउंड। भाई साहब क्या देखने को मिल रहा है भाई, मतलब 6-6 स्कोर हो जा रहा है। मतलब एक समय पे अपने को लग रहा था कि आसानी से अखंड प्लेयर जिसका नाम है दीपक भाई वो आराम से जीत जाएंगे, बट नहीं, जैसे तैसे करके अदर भाई ने उनको कमबैक कर दिया खुद को, और सामने दीपक भाई को प्रेशर में डाल दिया।
इसी के साथ अदर भाई है SKS M10 लेवल 3 की और डेजर्ट के साथ, और सामने दीपक भाई MP40 M10 एंड विथ डेजर्ट। क्या लग रहा है गाइस, क्या लग रहा है भाई? अगर देखो तुम लोग को भी ऐसे खेलना हो तो प्लीज कमेंट कर दो प्यारा से, ठीक है? तुम लोग को भी सब्सक्राइबर वर्सेस सब्सक्राइबर करोगे, ठीक है? चलिए गाइस, वो तो बात की बात रही, बट इसी के साथ दोनों बंदे इस बार शॉट में आते हुए, लेट्स सी डैमेज है अदर भाई को डैमेज देते हुए सामने। अदर भाई ने डैमेज दिया है, आई एम सॉरी गाइस, अदर भाई को डैमेज दिया है। चलिए गाइस, क्या लग रहा है दोनों के दोनों बंदे, दीपक भाई को डैमेज दिया अदर भाई ने, क्या लग रहा है गाइस? अदर भाई पीछे खड़े दीपक भाई को अगर पता नहीं रहेगा, अगर दीपक भाई डायरेक्ट रश मार दिए, नहीं अदर भाई बैक ऑफ लिए, दीपक भाई पीछे है, इनका कवर लेंगे SKS का मारने का ट्राई, डैमेज नहीं पड़ा। क्या लग रहा है, M10 हाथ में ले लिए, अदर भाई वर्सेस दीपक भाई। चलिए दोनों शॉट में आ रहे M10 नहीं, लेट्स गो। क्या लग रहा है दीपक भाई, क्या लग रहा है गाइस? इसी के साथ भाई साहब दीपक भाई ने एलिमिनेट कर दिया है अदर भाई को, और बहुत ही इंटेंस मैच रहा था भाई साहब। मेरे को लग रहा था एक समय पे कि भाई अदर भाई आराम से जीत सकते हैं, बट नहीं, दीपक भाई ने आखिरी वाला राउंड जीत के बता दिया कि भाई नहीं, मैं जीतूंगा, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस, ये था हमारा सब्सक्राइबर वर्सेस सब्सक्राइबर वाला मैच, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।